हीरोपंती 2 के बाद अब गणपत मूवी की शूटिंग भी करेंगे एक्टर टाइगर श्रॉफ, वो भी यूके में। हाय, दिस इज मी मनु एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। रब्बा रब्बा, इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने कि मैं मूवी हीरोपंती की बात कर रही हूँ। और हीरोपंती में हीरोपंती आखिरकार की किसने थी? एक्टर टाइगर श्रॉफ ने। और ये हीरोपंती करने के बाद एक्टर टाइगर श्रॉफ काफी ज्यादा कामयाब भी हुए हैं, और उसके बाद आज तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हें एक्शन किंग भी बोला जाता है क्योंकि हमेशा ही एक्शन करते हुए नजर आते हैं और काफी वर्सटाइल तरीके से ये अपना काम भी करते हैं। और आजकल तो इनके पास काफी सारी मूवीज हैं इनकी किटी में, जिनमें से फिलहाल अगर हम इनकी टॉप रेटेड मूवी या टॉप लिस्टेड या आप कह लीजिए मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी की बात करूं तो वो है हीरोपंती 2, जिसकी शूटिंग वो कर रहे हैं और काफी सारे एक्शन सीक्वेंस को वो खत्म कर चुके हैं, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही थी कि अब वो हीरोपंती 2 के लिए यूके जाएंगे। और अब वो हीरोपंती 2 के साथ साथ अपनी आने वाली मूवी गणपत की भी शूटिंग यूके में ही स्टार्ट करेंगे। अगर हम मूवी गणपत की बात करें तो ये मूवी टाइगर श्रॉफ के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये मूवी वो काफी ज्यादा टाइम से करने की सोच रहे थे और फाइनली ये मूवी उनके पास है और इस मूवी की शूटिंग वो जल्द ही शुरू भी करने जा रहे हैं। वहीं अगर मैं हीरोपंती 2 की बात करूं तो ये मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर बन चुकी है, क्योंकि हीरोपंती में कमाल धमाल मचाने के बाद अब टाइगर श्रॉफ किस तरीके से हीरोपंती 2 में एंट्री लेने वाले हैं ये देखने के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को लेकर आ गई हूँ कि इस साल के एंड तक टाइगर श्रॉफ अपनी दोनों मूवीज का शूट खत्म कर लेंगे और 2022 यानी अगले साल तक आपके सामने इनमें से कोई ना कोई एक मूवी जल्द ही आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाइगर श्रॉफ यानी द एक्शन किंग क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं? फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स वॉच गूगल बॉलीवुड।